अपने के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। सीधे आपको कांग्रेस की पीसी में लिए चलते हैं। धनबाद से कांग्रेस की पीसी हो रही है, सीधे आपको वही लिए चलते हैं। से मिलने के बाद घर की अवस्था कितनी और अच्छी हुई है, और वैसे उन्होंने देखा है कि जो सरकार जो है वो बात हमेशा महिलाओं की हित की करती है। दूसरा अगर मैं कहूँ अहम भूमिका किसकी रही होगी तो वो युवा वर्ग का रहा है। 2014 में यही वो युवा वर्ग थे जिसको लेकर पत्रकार और काफ़ी जगह चर्चा होती थी कि ये लोग युवा वर्ग अब इंडिया अलायंस से हटकर प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास पर वोट डालती है। लेकिन अगर आप युवा वर्ग से बात करें तो युवा वर्ग स्वयं यही कहेंगे कि उन्होंने पिछले 10 सालों में ये बेरोजगारी की समस्या को और बढ़ते हुए ही देखा है। प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं 2014 में आए थे गुजरात मॉडल के आधार पर, लेकिन अगर आप देखें कि जब हमारे भारत देश से लोग अवैध रूप से अमेरिका में जाते हैं तो ज़्यादातर लोग गुजरात से ही होते हैं। वो गुजरात से निकलकर कभी कनाडा में घुसने की कोशिश करते हैं अवैध रूप से, गैरकानूनी तरीके से, या चाहे कनाडा में हो, अमेरिका में हो, यूरोप में हो। तो युवा वर्ग अब देख चुका है कि प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ मंगलसूत्र और ये क्या बोलते हैं भैंस की बात करते हैं, तो उनकी जो आम जो समस्याएं हैं, उच्च शिक्षा की जो समस्याएं हैं, उनको जिस प्रकार से सरकारी नौकरियों में उनको दाखिल होना था उसको लेकर भाजपा सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं लिया है। और इनकी बातें आज राहुल गांधी जी करते हैं, इंडिया अलायंस करते हैं, आज हमारे आरजेडी की नेता तेजस्वी यादव जी भी आए तो वो भी बार बार युवा वर्ग की बात को उठाते हैं। तो महिलाओं का वोट आज इंडिया अलायंस की तरफ आ चुका है, युवा वर्ग का यहाँ पे आ चुका है, और कहीं ना कहीं सभी वर्ग के लोग आज भाजपा में एक अहंकार देखते हैं। मानो सत्ता उनके उनके जहन में इस प्रकार से घुस चुका है कि वो अपने आप को मनुष्य मानते ही नहीं, वो तो भाजपा के नेता अपने आप को भगवान समझते हैं। तो ये जो अहंकार उसमें उनमें समा चुका है उसको देखकर लोग नाराज हैं, लोग सतर्क हैं, लोग सचेत हैं कि अगर इस प्रकार से उनकी ऐसी राजनीतिक अहंकार बढ़ती गई तो ये सब पर हावी होंगे और ये पूरे प्रदेश में एक अराजकता फैलाएंगे। और जिसका प्रमाण तो हम मणिपुर में देख रहे हैं कि मणिपुर में भाजपा की राजनीति के कारण क्या हुआ कि आज समाज वहां पे दो हिस्सों में बंट चुका है। आज मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा जी झारखंड में आके हिंदू समाज की बात करते हैं, लेकिन क्या मणिपुर में हिंदुओं का घर नहीं जला? आज मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा जी असम में क्या झारखंड में आके आदिवासियों की बात करते हैं, जनजातियों की बात करते हैं, क्या जनजातियों का घर नहीं उजड़ा मणिपुर में? क्या जनजाति महिलाओं पर बलात्कार नहीं हुआ? उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया वहां? कुछ भी नहीं। गृह मंत्री अमित शाह जी एक साल पहले जो दौरा किया वही जो दौरा किया, उसके बाद दोबारा जाने की हिम्मत भी नहीं हुई। आज भी जब वहां पे परिस्थिति और बिगड़ रही है आज भी वो जाने की साहस नहीं कर रहे। तो लोग ये समझ चुके हैं कि इनकी राजनीति से सिर्फ समाज में आग लगती है, ये समस्या सुलझाना नहीं चाहते हैं। और काफी लोग कहते हैं कि हिमंत बिश्व शर्मा जी यहाँ पे आके प्रचार कर रहे हैं, बट आज सामाजिक माध्यम का युग है, सोशल मीडिया का युग है, सब चीज जानते हैं। असम में हुई चीज को आप झारखंड के लोगों से छुपा नहीं सकते। तो असम के अंदर क्या भ्रष्टाचार का साम्राज्य उन्होंने वहाँ पे स्थापित किया है सबको पता है, सभी को पता है कि असम के लोग कितने असंतुष्ट हैं। और मैं झारखंड के कांग्रेस और इंडिया अलायंस को बस इतना ही कहना चाहूँगा, मतलब थोड़ा अगर आने वाले निर्वाचन की बात करें तो आपको ज़्यादा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। असम का विधानसभा चुनाव आज से 1.5 साल बाद है। असम का जो लोग हैं पूरे भाजपा और मुख्यमंत्री के सरकार को गिराने के लिए तत्पर है, बस वो इंतजार कर रहे हैं कि वोट कब उनका
कब वो दे पाएंगे। तो इसीलिए असम के लोग भी जानते हैं कि आदिवासियों समाज के साथ कितना वहाँ पे नाइंसाफी हुई है, आदिवासियों की जमीन को लेकर अडानी को किस प्रकार से दिया जा रहा है। भाजपा के नेता आज हिंदू धर्म पे यहाँ पे प्रचार करते हैं और वहाँ गाय की तस्करी में किस प्रकार से वो वहाँ पे शामिल है। पूरा जो सिंडिकेट का वहाँ पे जो चल रहा है, चाहे कोयला का हो, पत्थर का हो, वहाँ पे भाजपा के नेता शामिल हैं। तो ये सब चीज झारखंड के लोग समझते हैं और इसलिए मुझे लगता है कि भाजपा के नेताओं का प्रचार का प्रभाव झारखंड पे नहीं पड़ा है। अगर प्रभाव पड़ा है तो ईमानदारी का प्रभाव पड़ा है। राहुल गांधी जी जो संविधान के प्रति जो उनका कर्तव्य है उसका प्रभाव पड़ा है और जो काम जेएमएम कांग्रेस कर रही है उस पर और झारखंड के लोगों के सोच के विचार पर प्रभाव पड़ा है। तो मैं दोबारा झारखंड के लोगों को की मैं प्रशंसा करना चाहूंगा कि इतना होने के बावजूद भी वो जो एक बहुत सूझबूझ से और शांत से वो विचार कर रहे हैं, सभी को बातें सुनते हुए वो आने वाले समय में कांग्रेस और जेएमएम की सरकार यहाँ पे दोबारा पूर्ण बहुमत से बनाने के लिए अभी तैयार है। सर एक छोटा सवाल है, बीजेपी का आरोप है कि योगी मैया सम्मान योजना फंडिंग वो फंड डाइवर्ट करके आप पेंशन का फंड बंद करके आप मैया सम्मान योजना को आप लागू किए, इस पर आपका क्या? देखिए अगर ये आरोप सच होता तो महिलाएं हमारी सभा में आती नहीं। महिलाएं जो हमारी सभा में आती हैं उसी वही प्रमाण है कि बीजेपी का आरोप झूठा और हमारा जो काम वो सच्चा। देखिए झारखंड के लोग ईमानदारी और बेईमानी को अच्छी तरीके से भाप सकते हैं और जहां पे उनको राहुल गांधी जी और हमारे सरकार के काम में ईमानदारी दिखती है वहीं भाजपा के नेताओं के भाषण में बेईमानी दिखती है। एक सिंपल सवाल है कि क्या रोड मैप होगा इस पर जो सरकार अपनी बनती है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अवैध घुसपैठी का जो मुद्दा है, तो ये सारे रोड मैप आप किस तरीके से तैयार किए हैं, तो उसकी भी जानकारी सरकारी नौकरियां देंगे? देखिए जहां पे जो मैनिफेस्टो है उसमें तो आपको झलक पूरा वहाँ पे आपको मिल गया है, जो गारंटीज है वहाँ पे पूरी जानकारी आपके पास है। और साथ ही साथ मैं जब कई विधायकों से मैं बात करता हूँ तो वो शिक्षा और स्वास्थ्य पर बहुत वो जोर देते हैं। तो मुझे लगता है कि और जहाँ पे आज का युवा वर्ग जो चाहता है कि वो जिस कॉलेज में पढ़े वो किसी आईआईटी या आईएम से कम न हो, उसकी उच्च शिक्षा में उसके कॉलेज में वही सुविधा मिले जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े कॉलेजेस में मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि उच्च शिक्षा पर आज हमारे जो विधायक हैं कांग्रेस के अंदर जो बातचीत हो रही है उस पर होगी है। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं जो राहुल गांधी जी ने भी आपने देखा कि कुछ दिन पहले उन्होंने एक लेख लिखा जिसमें लिखा कि भारत के उद्योग में सभी की भूमिका होनी चाहिए, ना सिर्फ एक या दो बड़े कंपनियों की। अगर भारत के उद्योग में सिर्फ एक या दो कंपनियों का फायदा होगा और बाकी को